हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में ये देखें, प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन, ऑल ओवर डिज़ाइन, जो आप इसे मुझे स्वेटर में बना सकती हैं, कार्डिगन में बनाइए, जैकेट पे बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हैं। अगर बेल की तरह बनाना चाहती हैं तो ये जो नीचे की हमारी डिज़ाइन है इसे एक लाइन भी बनाइए। 13 रो का मेरा ये पैटर्न है, इसे भी बनाएंगे तो ये डिज़ाइन आपकी बॉर्डर की तरह बनेगी। और पूरे स्वेटर में बनाना चाहती हैं तो ये देखिए बीच बीच में ये फ्लावर से बने हैं, और ये फ्लावर दूसरे वाले चेक के ऊपर ये बना है, फिर इसके ऊपर ये डिज़ाइन, और इस तरह से ये हमारी प्यारी सी डिज़ाइन है। तो आइए देखते हैं कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 26 फंदे ही लिए हैं, और यही 26 फंदों की डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है तो ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बेस कलर ब्लैक लिया है और इसके ऊपर मैं वाइट से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। इसमें सबसे पहले एक हम वाइट से करेंगे और इसके बाद हमारा ब्लैक कलर, एक दो तीन फंदे ब्लैक, एक दो वाइट, एक हमारा ब्लैक, एक दो फंदे वाइट के, एक दो तीन हमारे ब्लैक, एक दो वाइट। ये ब्लैक कलर से एक दो तीन चार पाँच छः 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 फंदे हमारे ब्लैक के हो गए और एक हम वाइट से करेंगे। तो इस एक वाइट से लेकर इस एक वाइट तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 2, जिसमें एक हमारा ब्लैक रहेगा और वाइट कलर से 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट, 1, 2, 3 ब्लैक, 1, 2, 3, 4 वाइट, 1, 2, 3, 4 ब्लैक, और वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 फंदे हमारे ये वाइट के हो गए, और एक और 7, ये 7 फंदे वाइट और इसके बाद हमारा ब्लैक कलर, 1, 2 और 1, 3। ये देखिए रो नंबर 3, इसमें 1, 2, 3 ब्लैक। अब ये 7 वाइट को हमें वाइट से ही बनाना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4 ब्लैक, 1 वाइट, 1, 2, 3 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1, 2, 3 ब्लैक, 1 वाइट और 1 हमारा ब्लैक। ये देखिए रो नंबर 4, इसमें 1 हमारा ये ब्लैक को ब्लैक से करेंगे, 1 वाइट, 1, 1 ये मेरा ब्लैक हो गया, एक दो वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक,
एक, दो वाइट, एक ब्लैक, एक हमारा वाइट, एक दो फंदे ब्लैक के, एक दो वाइट, एक हमारा ब्लैक, एक दो वाइट, एक ब्लैक, एक दो वाइट, एक ब्लैक, एक दो हमारे वाइट और एक हमारा ब्लैक। तो ये देखिए, इस एक ब्लैक से लेकर के इस एक ब्लैक तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है। और यहाँ पे दो ब्लैक के बाद ये दो वाइट, एक ब्लैक, दो वाइट, एक ब्लैक हमारा जब हुआ है तो वाइट के एक, दो, तीन, चार बार दो दो फंदे आए हैं। ये देखिए रो नंबर 5, इसमें पहले हमारा ये वाइट कलर आएगा। एक, दो, तीन, चार फंदे वाइट के, एक, दो, तीन, चार, पांच हमारे ये ब्लैक हो गए, एक, दो, तीन, चार वाइट, एक हमारा ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, ये दो वाइट को हमें दो वाइट ही करना है, एक दो फंदे वाइट के, एक दो तीन ब्लैक, एक दो वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट और एक हमारा ब्लैक। ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन गई। तो चार ये वाइट से लेकर इस एक ब्लैक तक की डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 6, इसमें भी एक, दो फंदे ब्लैक, एक हमारा वाइट, एक दो ब्लैक, अब यहाँ पे हमारा रेड कलर आएगा। तो रेड कलर से हम ये एक, दो, तीन हमारे रेड से, एक दो फंदे ब्लैक, एक वाइट, एक दो तीन, सॉरी, ये दो फंदे ही हमारे ब्लैक के रहेंगे। और अब यहाँ पे हमारा वाइट, जो चार वाइट थे उन्हें वाइट करेंगे, एक दो तीन, चार फंदे वाइट, एक हमारा ब्लैक और फिर ये रेड कलर आ जाएगा। एक दो तीन फंदे रेड, एक ब्लैक और इस वाइट को हमें वाइट से ही करना है, एक दो तीन और एक चार। तो ये देखिए दो ब्लैक से लेकर इस चार वाइट तक की डिज़ाइन को पूरी रो में हम रिपीट करेंगे। ये देखिए रो 6 तक मेरी ये डिज़ाइन बन गई है, कितनी प्यारी सी डिज़ाइन। और हम रो नंबर 7 पे हैं। तो रो नंबर 7 में हमारा पहला फंदा जो है वो ब्लैक रहेगा। तो एक हम ये ब्लैक से बनाएं और इसके बाद हमारा वाइट कलर, एक दो फंदे वाइट, एक दो हमारे ब्लैक से हो गए। ये देखिए दो ब्लैक के बाद ये हमारा रेड वाला फंदा आ गया। तो इस एक हम रेड से करेंगे,
ये बीच वाला रेड जो है वो एक ब्लैक हो जाएगा, एक रेड, एक, दो फंदे ये ब्लैक के, एक, दो हमारे ये वाइट, अब हमारा ब्लैक, एक, दो, तीन, चार फंदे ये ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, अब ये हमारे फिर वाइट रेड के फंदे आ गए। तो इस एक रेड को हमें रेड करना है, बीच वाला हमारा एक ब्लैक हो जाएगा, और फिर रेड को रेड से करेंगे। ये देखिए, एक रेड के बाद एक हम ब्लैक से करेंगे, एक हमारा ब्लैक, एक वाइट, और ब्लैक कलर से एक, दो, तीन फंदे ब्लैक। तो ये देखिए हमारी ये डिज़ाइन, तो एक ब्लैक से लेकर इस तीन ब्लैक तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 8, जिसमें एक, दो फंदे ब्लैक, एक हमारा वाइट, एक, दो ब्लैक, और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर, एक, दो, तीन रेड, एक, दो ब्लैक, एक वाइट, एक, दो फंदे ब्लैक, एक, दो, तीन, चार फंदे वाइट, एक ब्लैक, एक, दो, तीन हमारे रेड, एक ब्लैक, एक, दो, तीन, चार हमारे वाइट। तो ये देखिए दो वाइट ब्लैक से लेकर के इस चार वाइट तक की डिज़ाइन को रिपीट करना। ये देखिए रो नंबर 9, जिसमें एक, दो, तीन, चार फंदे हमारे ये वाइट के हो गए, अब हमारा ब्लैक, एक, दो, तीन, चार, पांच हमारे ब्लैक से, एक, दो, तीन, चार हमारे वाइट, ये एक हमारा ये ब्लैक हो गया, एक वाइट, एक ब्लैक, एक, दो फंदे वाइट, एक, दो, तीन ब्लैक, एक, दो वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, और एक हमारा ब्लैक। ये देखिए इस तरह से ये चार वाइट से लेकर इस एक ब्लैक तक की डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए रो नंबर 10, जिसमें एक हमारा ये ब्लैक रहेगा, इस वाइट को हमें एक वाइट करना है, फिर एक हमारा ब्लैक, दो फंदे वाइट को दो वाइट से ही करेंगे, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, एक, दो वाइट, एक हमारा ब्लैक, एक वाइट, एक, दो फंदे ये ब्लैक के, अब ये देखिए एक, दो वाइट, एक ब्लैक, एक, दो वाइट, एक ब्लैक, एक, दो वाइट, एक ब्लैक, एक, दो वाइट, और एक हमारा ब्लैक। तो ये देखिए दो ये ब्लैक के बाद हमारे
दो वाइट एक ब्लैक जो हैं, तो वाइट के 1 2 3 4 बार हमारे फंदे दो दो आए हैं। ये हमारी रो नंबर 11, इसमें 1 2 3 फंदे हमारे ये ब्लैक के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे ये वाइट हो गए। अब हमारा ब्लैक 1 2 3 4 फंदे ब्लैक, एक हमारा वाइट, 1 2 3 ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, एक दो तीन ब्लैक। इस एक वाइट को वाइट से करेंगे और एक हमारा ब्लैक। तो ये देखिए रो 11 तक हमारी ये डिज़ाइन, तो ये 3 ब्लैक से लेकर इस एक ब्लैक तक की डिज़ाइन को पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए अब हम रो नंबर 12 पे हैं, जिसमें एक हमारा ये ब्लैक हो गया। अब वाइट कलर से 1 2 3 4 फंदे वाइट, 1 2 3 ब्लैक, 1 2 3 4 वाइट, 1 2 3 4 ब्लैक, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे वाइट के, 1 2 3 हमारे ब्लैक। तो ये देखिए एक ब्लैक से लेकर के 3 ब्लैक तक की डिज़ाइन पूरी रो में रिपीट होगी। ये देखिए रो नंबर 13, जिसमें शुरू में एक हमारा वाइट आएगा, ब्लैक कलर से 1 2 3 फंदे ब्लैक, 1 2 वाइट, 1 ये हमारा ब्लैक हो गया, 1 2 वाइट, 1 2 3 फंदे ब्लैक, 1 2 वाइट। अब हमारा ब्लैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमारे ब्लैक के और एक हमारा वाइट। तो ये देखिए हमारी रो 13 बन गई। तो इस रो नंबर 1 से लेकर के मैंने रो नंबर 13 तक की ये डिज़ाइन बना ली है। अब इसी डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है, लेकिन ये देखिए अब हमारा बैक साइड से रो नंबर 1 जैसे मैंने बनाया था वैसे ही हमारी रो नंबर 1 बनेगी। तो इसे भी हम रो नंबर 1 दिखा देती हूँ। ये देखिए रो नंबर 1 एक बार मैं दिखा देती हूँ, एक हमारा वाइट, 1 2 3 फंदे ब्लैक, 1 2 वाइट, 1 2 सॉरी ये एक ही हमारा ब्लैक रहेगा, 1 2 वाइट, 1 2 3 ब्लैक, 1 2 वाइट, 1 2 3 4 5 6।
ये 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हमारे ब्लैक के और एक हमारा वाइट। तो ये जैसे मैंने रो वन बनाया था, तो अब हमारा रो नंबर वन जो है वो बैक साइड से बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी रो नंबर वन से लेकर वन रो नंबर 13 तक हम इस डिज़ाइन को बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार रो नंबर वन हमारा राइट साइड से आएगा और एक बार रो नंबर वन जो बैक साइड से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से इन्हीं फंदों को जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के आई है। ये देखिए इसी 13 रो की डिज़ाइन को मैंने बार बार रिपीट किया है तो इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी स्वेटर डिज़ाइन बनकर आई है। तो आइए इस डिज़ाइन का हम ग्राफ देखते हैं। लेकिन ग्राफ देखने से पहले मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।